Assalamu alaikum, I'm Dr. Tahira Rubal. I'm a clinical psychologist and relationship therapist or sex therapist. Viewers, आज हम बात करेंगे बेसिकली कि बिफोर गोइंग टू योर पार्टनर आपको ख़ास तौर पे किन चीज़ों का जो है वो पांच कौन सी अहम ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ख़ास तौर पे जो है वो ख्याल रखने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें जो हैं वो मैसअप जो हैं वो ना हो सकें। सबसे पहले जो है ऑफ़ कोर्स आपकी रेडीनेस और आपके पार्टनर की रेडीनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जी आप और आपके पार्टनर दोनों ही रेडी हैं, दोनों ही एक सेम पेज के ऊपर हैं, दोनों ही उस एक्टिविटी के लिए एग्रीमेंट जो है यानी इज़्दवाजी ताल्लुक को इस्तवार करने की जो एक्टिविटी है उसके लिए दोनों का ही एग्रीमेंट जो है वो है। उससे पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि कोशिश ये करें कि हमारे यहाँ पर यूजली मैरिड कपल्स जो होते हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि बच्चे उनके इर्द गिर्द सोए हुए हैं, छोटे बच्चे होते हैं एंड दे स्टार्ट देयर सेक्सुअल एक्टिविटी विच इज़ रियली रियली हार्मफुल फॉर द कपल यानी स्पाउस जो हैं हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है, नुकसानदेह और बच्चों के लिए भी वो चीज़ देखना इतना अच्छा जो है वो नहीं होता। सो आपको लग ही रहा होता है कि शायद बच्चा तो सो रहा है उसको क्या पता चल रहा होगा, बट इट हैपन्स कि बच्चे को पता चल रहा होता है, वो समझ नहीं रहा होता मगर उसको पता चल रहा होता है। सो कोशिश ये करें कि बहुत ही प्राइवेसी वाला इन्वायरमेंट ज़रूर क्रिएट करें, यानी प्राइवेसी वन थिंग विच यू नीड टू क्रिएट। जब आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हों, आप अपनी वाइफ के साथ जो हैं वो हैं या अपने शोहर के साथ हैं तो प्राइवेसी मेंटेन करने की पूरी कोशिश करें। इंटरप्शंस जो हैं वो कम से कम होनी चाहिए, मसलन ये चीज़ें कम से कम होनी चाहिए कि जी आपका मुलाजिम जो आके दरवाज़ा खटखटा दे, बाजी कोई काम है या आपकी मेड आके आपसे कुछ चीज़ें जो पूछ रही हो और बार बार उस चीज़ उस एक्टिविटी को इंटरप्शन जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एंड फॉर दैट मैटर अपने मोबाइल को भी बिल्कुल साइलेंट जो है वो करके रखें साइड पर एंड फोकस्ड रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस्ड रहिए, कोई इंटरप्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए, प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। एंड देन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप तैयारी, अब हम जैसे मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये बात करती हूँ कि ट्राई टू मेक इट इन अ वे कि ये आपके पार्टनर की ज़रूरत के हिसाब से जो है वो हो। अगर आप चाहते, अगर आपके पार्टनर की ये रिक्वायरमेंट है कि इन्वायरमेंट ऑफ द रूम जो है वो, क्योंकि इन्वायरमेंट ऑफ द रूम जो है ये भी डिज़ायर को एलिवेट करता है यानी ज़्यादा करता है, अगर आपके रूम का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है ये डिज़ायर क्रिएट भी कर सकता है, ये डिज़ायर को बढ़ा भी सकता है या आपके पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर सकता है। सो कोशिश ये करें कि वो एक्टिविटीज़ जो कि आप, वो चीज़ें जो कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, आपको खुद बहुत अट्रैक्ट करती हैं, जिसमें रूम का इन्वायरमेंट हो सकता है, बेड शीट का नीट एंड क्लीन होना हो सकता है, जिसमें रूम में अच्छी फ्रेग्रेंसेस का होना हो सकता है, अगर आप फ्लावर्स जो हैं वो रखते हैं वो हो सकती हैं, रोमांटिक लाइट्स जो होती हैं वो हो सकता है, पानी का अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू माइट नीड इट, वो चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। इन चीज़ों का ख्याल जो है वो ख़ास तौर पे आपको रखना चाहिए बिफोर गोइंग टू स्टार्ट योर प्राइवेट एक्टिविटी, यानी अपना जो इज़्दवाजी ताल्लुक आप इस्तवार करने वाले हैं उससे पहले इन सारी चीज़ों को ज़रूर अपने लिए कंसिडर करें कि आपने ये चीज़ें जो हैं वो करनी है। देन कोशिश ये करें कि बहुत सारे टाइम के ऊपर लोग जो हैं अपनी सफाई सुथराई का उतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, औरतों से ये कहा जाता है कि जी वो साफ़ सुथरी हों, उनसे ये डिमांड किया जाता है, फिर भी नहीं वो होती, आई नो, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि औरतें जो हैं वो भी अपनी सफाई सुथराई का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, दांत अपने ब्रश कीजिए, अपनी बॉडी की स्मेल को अगर वो कोई ऐसी है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि वो एक अवर्जन भी हो सकती है और एक वो टर्न ऑफ भी हो सकता है आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। इसलिए कोशिश ये करें कि अपनी बॉडी को क्लीन अप कीजिए, कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, दांत आपने ब्रश किए हुए होने चाहिए और आपकी बॉडी से जो है वो स्मेल नहीं आनी चाहिए यूजुअली। और यही बात जो है वो आदमियों के लिए भी ख़ास तौर पे है, क्योंकि औरतों के लिए तो ये बात बड़ी कॉमनली कह दी जाती है कि शोहर के आने से पहले अपने आप को साफ़ सुथरा बना संवार लेना, मगर आदमियों को ये बात कौन कहे कि उन्होंने भी अपनी वाइफ के पास जाने से पहले अपने आप को साफ़ सुथरा खुशबू लगानी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। आदमी काम से आते हैं एंड देन जी बस उनकी अपनी एक रूटीन शुरू हो जाती है और इसमें वो सफाई सुथराई कहीं बहुत पीछे रह जाती है। सो अपनी जो है दांत ब्रश करना, अपने आप को खुशबू लगाना, अपने जिस्म से आने वाली जो फॉल्स स्मेल है उसको
जो एक बॉडी फ्रेग्रेंस होती है सबकी, उस पे काम करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है बिफोर स्टार्टिंग योर इंटीमेट रिलेशनशिप विथ योर वाइफ और हस्बैंड खास तौर पे। एंड देन जो है कोशिश ये करें कि यूजली लोगों को लगता ही है कि रूम को बिल्कुल डार्क रखें, रूम को बिल्कुल भी डार्क मत कीजिए, धीमी लाइट्स जो हैं वो यूज़ कीजिए, बिकॉज़ वो रोमेंटिसाइज करते हैं आपके रूम को। और उसके साथ साथ जो है यू कैन ईजीली अप्रोच योर पार्टनर जिस तरह से कि आप उसकी उसको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत आसानी जो है वो उसमें होती है। मगर अगर आपका पार्टनर जो बहुत ज़्यादा शाये है, बहुत ज़्यादा उसको घबराहट होती है लाइट में, तो ऑफ कोर्स इसको कंसीडर करने की ज़रूरत पड़ती है। तब आप इसको ज़रूर कंसीडर करेंगे जी उसको लाइट ऑफ चाहिए, तो फिर आप लाइट जो है वो ऑफ़ रखें। मगर डिम लाइट जो है दैट इज़ मोर फेवरेबल कि आप उसको जो है वो ज़रूर करें। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट जंप ऑन योर पार्टनर, फ़ौरन से चीज़ों को शुरू ना कर देंगे। बस वो जो आखिर पे होने वाला काम है उसको पहले मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मिस्टेक होता है। लोग फ़ौरन से जंप इन करते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, और जल्दी जल्दी में चीज़ें जो हैं यूजुअली ख़राब हो जाती हैं, सेटिस्फेक्शन के लेवल के ऊपर नहीं जाती दोनों पार्टनर के लिए, जिसकी वजह से जो है सेक्सुअल एक्टिविटी प्लेजरेबल होने की बजाय आपके लिए एक एवर्जन बन जाती है और पेनफुल भी हो सकती है। सो डू इट व्हेन यू हैव द टाइम, या आपकी केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी होनी चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा समझते हो कि अगर आप क्विकली भी चीज़ें कर रहे हैं तो फ़ौरन फ़ौरन हो जानी चाहिए। मगर कोशिश करें व्हेन यू हैव द प्लेंटी ऑफ टाइम यू कैन मेक इट अप टू योर पार्टनर लेवल, तो फिर जो है उसको करें। एंड प्लीज़ डोंट जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि इस ख़ास एक्टिविटी से पहले कोई नेगेटिव बात, गुस्से वाली बात, ताना तशना एक दूसरे को मत दीजिए, ना इस एक्टिविटी से पहले ना इस एक्टिविटी के दौरान, क्योंकि वो बहुत बुरा एक टर्न ऑफ हो सकता है दोनों पार्टनर्स के लिए। एंड रिस्पॉन्सिव होने की कोशिश करें ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी एंड इवन बिफोर दैट एक्टिविटी। उम्मीद करती हूँ ये कुछ टिप्स आपको हेल्प कर पाएंगी आपकी बेड लाइफ को और बेड रिलेशनशिप को बेहतर करने में। आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।